Subscribe my YouTube channel, Technical World's King. मैं हूं आपका अपना दोस्त किशन जी राज और आप लोग देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टेक्निकल वर्ड्स किंग। दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में जो है एक खास एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जो कि कोरोना वायरस आजकल लोगों को मालूम होगा हमारे पूरे विश्व में चल रहा है तो उसका उसके लिए जो है भारत सरकार ने हमारे एक एप्लीकेशन बनाया है। तो आइए हम सबसे पहले अपने जो है प्ले स्टोर पर चलते हैं। प्ले स्टोर पर जाने के बाद में हम लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे सर्च बार में। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों हम लोग सर्च करेंगे, आप लोग ध्यान से देखिएगा, आरोग्य सेतु। आरोग्य सेतु टाइप करने के बाद दोस्तों सर्च बार पे क्लिक करेंगे, ये सर्च होगा एप्लीकेशन। उसके बाद जो लिस्ट का जो पहला एप्लीकेशन दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे। इसका इंटरफेस और इसका इमेज जो है आप अच्छे से देख लीजिए ताकि आप लोगों को पहचाने में दिक्कत ना हो। और इस एप्लीकेशन का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, आप वहां से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसको ऑलरेडी जो है डाउनलोड कर लिया है, इसीलिए यहां पे ओपन लिख करके आ रहा है। और मैंने इसको डाउनलोड करने से पहले उसमें कुछ देखा था तो आप लोगों को चाह रहा हूँ बताने के लिए। आप लोगों को आप यहाँ से देखिए, पहले आप लोग इसको रेट दिस ऐप लिखा है तो आप इसको रेट दे सकते हैं। रेटिंग का मतलब होगा कि आप लोग इसको कितना परसेंट लाइक करते हैं और कितना परसेंट डिसलाइक करते हैं। जब 5 स्टार आप देंगे तो लव इट हो जाएगा, उसके बाद आप अगर 4 स्टार देते हैं तो गुड हो जाएगा, और फर्स्ट देते हैं तो फर्स्ट पे कोई विशेष वो नहीं होता है। फर्स्ट पे केवल आपकी जैसे आपको कोई प्रॉब्लम होती है तब फर्स्ट दिया जाता है, अन्यथा लोग जो है 2, 3 या फिर 5 देते हैं। तो आइए चलते हैं, यहाँ पर लिखा है राइट रिव्यू, यहाँ पर आप जो है क्लिक करके रिव्यू लिख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों लिखा है डेवलपर कॉन्टेक्ट, डेवलपर कॉन्टेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे जिसने इस एप्लीकेशन को बनाया है वो यहाँ पे दिखाई देगा। जैसा कि मैंने उसको पूरा चेक किया कि ऐसा तो नहीं कि जो है हमारे सारे व्यूअर्स को या हमारे सारे मित्रों को जो है बेवकूफ़ तो नहीं बनाया जा रहा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैंने इसको ईमेल को देखा, उसके बाद में एड्रेस जो है NIC है। NIC जो है हमारा, आपको मालूम होगा कि हमारे भारत सरकार की जो है ID है प्ले स्टोर की। उसके बाद दोस्तों जो मैंने चेक किया यहाँ पे नीचे अबाउट दिस ऐप पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे दोस्तों क्लिक करने के बाद में अबाउट दिस ऐप का आपकी जो है ऑप्शन ओपन होके आया। तो यहाँ पे जो सारे कंटेंट दिए गए हैं इसको मैंने अच्छे से पढ़ा। उसके बाद में यहाँ नीचे एकदम स्क्रॉल करके मैंने आया, उसके बाद में यहाँ पर आपको मिलेगा ऐप इन्फो यानी कि ऐप इन्फॉर्मेशन। ये ऐप इन्फॉर्मेशन में मैंने इसको वर्जन को चेक किया इसके, और उसके बाद में अपडेट ऑन यानी कि जिस दिन इसको अपडेट किया गया। एक होता है रिलीज किया जाता है, दूसरा होता है कि अगर जो उसमें कोई बदलाव किया जाता है तो उसको अपडेट दिया जाता है। यानी कि अभी जो है अप्रैल 2 को 2020 को अपडेट किया गया, ये अभी हाल ही में अपडेट किया गया। और इसका डाउनलोड मैंने देखा कि कितने डाउनलोड हुए हैं इसके, तो यहाँ जो है डाउनलोड की क्वान्टिटी दिखा रही है। उसके बाद ऑफरेड बाई ये जिसके द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसके द्वारा पब्लिश किया गया है, वो यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं NIC EGOV मोबाइल ऐप, यानी कि ये भारत सरकार की जो है ID है। और यहाँ पे आ गया रिलीजेड ऑन, ये 1 अप्रैल को जो है एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था। और फिर यहाँ पे मैं लास्ट में विजिट किया कि ऐप परमिशन, इससे मैंने क्लिक किया सी मोर पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों यहाँ पर दिखाई दिया हमको कि ये क्या क्या जो है परमिशन हमारे फ़ोन से जो है एक्सेस करता है। वो सिर्फ वो चीज़ दोस्तों हर एप्लीकेशन में आप लोगों को चेक कर लेनी चाहिए कि कौन कौन सा परमिशन जो है कौन कौन सी एप्लीकेशन हमारे फ़ोन से लेके जा रही है, क्योंकि वो हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। क्योंकि कई सारी एप्लीकेशन ऐसी होती हैं जो हमारे फ़ोन में या चुपके से आ जाती हैं या हमारे जान से ही जो है इंस्टॉल हो जाती हैं, तब भी वो कुछ हमारे जो है ज़रूरी इन्फॉर्मेशन को जो है चोरी कर लेती हैं। तो ये सब चीज़ विशेष ध्यान देने वाली चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने देखा कि केवल लोकेशन ले रहा है, बाकी कुछ विशेष ज़्यादा चीज़ें जो और GPS ले रहा, बाकी कुछ विशेष ज़्यादा चीज़ें जो है चोरी नहीं कर रहा। तो ये काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। तो मैं बैक आ गया, बैक आने के बाद में मैंने एप्लीकेशन को इंस्टॉल ही किया था, यहाँ पे मैं आपको दिखाया हूँ। तो हम लोग चलते हैं सीधा आप अपने डेस्कटॉप की तरफ, उस एप्लीकेशन की तरफ। तो वो एप्लीकेशन आप लोगों को यहाँ दिख जाएगी आरोग्य सेतु के नाम से। दोस्तों हम लोग अब इस एप्लीकेशन पर जो है क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में देख लेते हैं इसमें फटाफट क्या होता है। आप लोग देखिए, जैसा कि इसका पहला इंटरफेस है ये, क्लिक करने के बाद में आप लोगों को यहाँ पे जो है सारी लैंग्वेजेस दिख जाएंगी।
जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं दोस्तों, तो हमारी लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है या फिर हिंदी है। तो मान लीजिए हमको हिंदी चूज करना, तो हम लोग हिंदी चूज कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको नीचे जो है नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, नेक्स्ट पे ऑप्शन पे जो है आप लोग क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ऐसा कुछ इंटरफेस आएगा। ऐसा इंटरफेस आने के बाद में दोस्तों हम लोग थोड़ा इसको अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसा कि लिखा है, हम सभी में भारत में फैल रही कोरोना वायरस महामारी को रोकने की क्षमता है, यानी कि ये जैसे संकल्प लेने की तरह है। और यहाँ पे जो है कोविड 19 के बारे में थोड़ा जो है डीपली लिखा हुआ है, तो इसको हम जो है स्क्रॉल करते चलेंगे राइट साइड में ऐसे, तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा रजिस्टर करें। रजिस्टर करने पे आप लोग क्लिक करेंगे, उसके बाद में अलाउ का ऑप्शन आएगा, अलाउ पे आप लोग जो है क्लिक कर देंगे, ये अलाउ हो जाएगा। अलाउ के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में ऐसा इंटरफेस आएगा, जैसा कि आप लोगों को यहाँ ऊपर मिल रहा है आई परमिशंस। यहाँ पे लिखा है सेवा और गोपनीयता की शर्तें, जो सेवा और गोपनीयता की जो शर्तें होंगी यानी कि टर्म एंड कंडीशन, तो इसको ध्यान से आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिए। यहाँ पे लिखा है मोबाइल लोकेशन, आपके मोबाइल का लोकेशन लिया जाएगा। उसके बाद में ब्लूटूथ, ब्लूटूथ आपके मोबाइल के आसपास के अन्य मोबाइल की निकटता अनुमानित करने में मदद करता है। आप यह आपसे अनुरोध है कि आप हमें हमेशा ऑन रखें, यानी कि कहने का मतलब कि ये एप्लीकेशन किस बेस पे काम करेगी। आपको ये इंस्टॉल करने के बाद में हमेशा आपका जो है डाटा ऑन होना चाहिए, लोकेशन ऑन होना चाहिए, उसके बाद में आपके डिवाइस का जो है ब्लूटूथ ऑप्शन ऑन होना चाहिए। अगर आपका ब्लूटूथ ऑन रहेगा, लोकेशन ऑन रहेगा और आपका डाटा ऑन रहेगा, तो जितने भी व्यक्ति जो है कोरोना संक्रमित या अदर आएंगे आपके जो है संपर्क में, उतने लोगों का ये जो है रिकॉर्ड आपके मोबाइल में, आपके इस एप्लीकेशन में जो है ये एप्लीकेशन कैप्चर करके रखेगी। तो दोस्तों बेसिकली होगा क्या, मान लो जैसे आपके फ्रेंड जो है चार छः फ्रेंड हैं और आपके साथ में रह रहे हैं, तो भगवान ना करे किसी को, लेकिन बाय द वे अगर आपके किसी फ्रेंड को कोरोना पॉजिटिव हो जाता है और आप सुन लेते हैं कि उनको कोरोना पॉजिटिव है और वो बंदा अपने मोबाइल में ये एप्लीकेशन रखा हुआ आपका फ्रेंड, तो उसका जब मोबाइल जब चेक किया जाएगा तो आप जो है उसके संपर्क में रहेंगे, तो आपकी भी जांच होगी और उसके संपर्क में जितने भी लोग रहे होंगे उतने ही लोगों को दोस्तों पूरी डीपली जो है चेक किया जाएगा, उनको जो है मेडिकल ले जाया जाएगा, उनका चेकअप करवाया जाएगा। तो इस तरह से जो है ये एप्लीकेशन काम करती है, काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है दोस्तों, ये भारत सरकार की द्वारा बनाई गई है और जनहित के लिए ही बनाई गई है। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग इस एप्लीकेशन का जो है ज़्यादा से ज़्यादा यूज करें और एप्लीकेशन की जो शर्तें हैं, नियम और शर्तें हैं, उसको आप लोग पालन करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। लिखा है मैं सहमत हूँ, भाई मैं सहमत हूँ तो मैं क्लिक कर दिया। आप लोगों को यहाँ पे मिल जाता है अपना एक लोकेशन अलाउ करने के लिए, तो आप लोग अलाउ बटन पर क्लिक कर दीजिए। अलाउ पर क्लिक करने के बाद में लिखा है टू कंटिन्यू टर्न, ये आपके जो है मोबाइल का लोकेशन ऑन करने के लिए बोला है, तो आप नो थैंक्स कर देंगे तो वो ऑफ हो जाएगा और ओके कर देंगे तो आपके मोबाइल का जो है लोकेशन ऑन हो जाएगा। तो लीजिए मैं ऑन कर दिया। अब यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को मिल जाता है अपना मोबाइल नंबर डालने के लिए, आप अपना मोबाइल नंबर डाल देते हैं। मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया हूँ। मोबाइल नंबर डालने के बाद दोस्तों आपको सबमिट करने पे क्लिक कर देना है। सबमिट करने पे क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपके मोबाइल पे एक OTP भेजा जाएगा। OTP आने के बाद में OTP को ये जो है ऑटोमेटिक एक्सेस करेगा, उसके बाद में नेक्स्ट हो जाएगा। लिखा है व्यक्तिगत विवरण, आपका लिंग क्या है, यानी कि आप क्या हैं उसको चूज करना लेना है आप लोगों को, आप पुरुष हैं या स्त्री हैं या फिर अन्य हैं। तो मैं पुरुष हूँ तो मैं पुरुष पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद में पुरुष पे क्लिक करने के बाद में आपका पूरा नाम, मेरा पूरा नाम जो है किशन जी राज, उसके बाद में यहाँ नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। पूरा नाम लिखने के बाद दोस्तों उसके बाद में आपकी आयु पूछी जाएगी, मेरी आयु जो है 24 वर्ष है, तो 24 वर्ष लिखने के बाद में यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है नीचे आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन व्यवसाय का। इस नेक्स्ट ऑप्शन में दोस्तों पूछा जाता है कि आप कौन सा व्यवसाय करते हैं, यानी कौन सा आप काम करते हैं।
तो इसमें से देख लीजिए, अगर आप कोई काम करते हैं इसमें से, कोई व्यवसाय करते हैं, तो आप उस पर क्लिक कर सकते हैं, अन्यथा फिर इसमें से कोई नहीं। जैसे नर्स है, डॉक्टर है, पैरामेडिक है, पुलिस अधिकारी, कानून प्रवर्तन, बेबर, कॉस्मेटिक, फार्मेसी, थोक विक्रेता, किराने का सामान, उद्योग निर्माता, फुटकर विक्रेता। तो मैं इनमें से कोई नहीं हूँ भाई, मैं टीचर हूँ, तो इसमें से ऐसा कुछ नहीं है। तो मैं क्लिक करूँगा इसमें से कोई भी नहीं, लास्ट वाले ऑप्शन को। लिखा है पिछले 30 दिनों में किन देशों का भ्रमण किया, इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे अगर आपने किसी देश का भ्रमण नहीं किया तो आप इसमें नन पे ही रहने देंगे। नन पे क्लिक करने के बाद में आप लोग यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद में लिखा है ज़रूरत के समय स्वयं सेवा में रुचि। जब आपकी ज़रूरत होती है तो आप अपने आप में रुचि रखते हैं कि नहीं रखते हैं? तो भाई मैं रखता हूँ, जब ज़रूरत पड़ेगी तो हर कहीं जाना ना पड़ेगा, तो मैं हाँ पे क्लिक कर देता हूँ। हाँ पे क्लिक करने के बाद लिखा है सबमिशन की पुष्टि करें, पुष्टि प्रस्तुत करें। तो आपको यहाँ पे अगर रीसेट करना है, जैसे आप कोई डाटा जो है यहाँ पे भरना जो है भूल गए हैं या गलत भर दिए हैं, तो यहाँ पे रीसेट कर सकते हैं, अन्यथा फिर सबमिट पे क्लिक करके आप जो है इसको ओके कर सकते हैं। ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है क्या आप अच्छा महसूस कर रहे हैं। भाई मैं तो अच्छा महसूस कर रहा हूँ, मैं पूरा पूरी तरह से हेल्दी हूँ, इसलिए मैं हाँ पे क्लिक करूँगा। हाँ पे क्लिक करने के बाद लिखा है 20 सेकंड का सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, आत्मविश्वास, आत्मसम परीक्षण ले। तो हाँ, हाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आ जाता है, यहाँ पे कुछ COVID-19 के जो है कुछ लक्षण दिखाई देंगे, कोरोना के पूछा जाएगा आप लोगों को उनके लक्षणों के बारे में। कृपया ध्यान दें कि इस काल से दी गई जानकारी का उपयोग वर्तमान स्वास्थ्य संकट की निगरानी और प्रबंधक एवं COVID-19 के विरुद्ध अनुसंधान के लिए किया जाएगा। क्या आप किसी लिखे हुए लक्षणों में से किसी का अनुभव कर रहे हैं, यानी कि आपको इसमें से कोई है, खांसी है, बुखार है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, इनमें से कोई नहीं? भाई मुझको तो कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं इनमें से कोई भी नहीं, ऐसा चूज करने के बाद है दोस्तों। उसके बाद में आ जाता है नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों, लिखा है क्या आपको कभी नीचे लिखे हुए रोग में से कुछ भी हुआ है, यानी कि मधुमेह जिसे शुगर लोग बोलते हैं, उच्च रक्तदाब यानी कि BP वगैरह का प्रॉब्लम, ब्लड प्रेशर का, फेफड़ों की बीमारी जिससे आपको सांस लेने में दिक्कत होती है, तो या फिर TB वगैरह होता है, तो उन सब चीज़ों को जो है फेफड़ों की बीमारी बोलते हैं, दिल की बीमारी, दिल में छेद वगैरह अक्सर लोगों में हो जाता है दोस्तों, तो खैर वो बात की बात है। फिर लिखा है इनमें से कोई भी नहीं, तो मुझे तो इनमें से कुछ नहीं हुआ, इसलिए मैं चूज करूँगा इनमें से कोई भी नहीं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन लिख करके आता है क्या आपने पिछले 14 दिनों में किसी विदेश यात्रा की है? नहीं, नहीं किया मैंने, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं कहीं थोड़ी गया था, आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ आजकल कंटिन्यू। देखिए नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है, नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आपके लिए लागू होता है, हाल ही में किसी COVID-19 पॉजिटिव व्यक्ति से मिलना हुआ है या ऐसे किसी व्यक्ति के साथ रहा हूँ। देखो इस ऑप्शन का ये ऑप्शन क्या कह रहा है, इसका कहना है दोस्तों कि क्या आपने जो है किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में रहा है जिसको कोरोना वायरस हुआ है, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के साथ में रहे हो कि आपके रहने के बाद में उसका हुआ है। नहीं भाई, तो ऐसा तो कोई नहीं हुआ मेरे साथ, और ऐसा करता हूँ कि जो ऐसा किसी के साथ कभी हो भी ना। नेक्स्ट ऑप्शन है, मैं एक स्वास्थ्य कर्मचारी हूँ और मैंने सुरक्षात्मक गियर के बिना एक COVID-19 पुष्ट मामले की जांच की है। नहीं भाई, ऐसा कुछ मैंने नहीं किया है, और मैं कोई डॉक्टर वॉक्टर तो हूँ नहीं, ठीक है, तो मैं इनमें से कोई भी नहीं के ऑप्शन पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे जो है लास्ट नीचे पे बड़ी लंबी चौड़ी लिस्ट दे रही है भाई, आपका संक्रमण का जोखिम कम है, हम अनुशासन करते हैं कि आप नोवेल कोरोना वायरस के संपर्क में किसी भी अवसर से बचने के लिए घर पर रहें, यदि आप लक्षणों का विकास करते हैं या किसी COVID-19 पुष्ट रोगी यानी कि जिसको COVID-19 हुआ है के संपर्क में आते हैं, तो स्वतः निर्धारण टेस्ट को दोबारा लें। देख लीजिए भाई, अगर कि आप जो है किसी कोरोना से संपर्क संक्रमित व्यक्ति के पास अगर जाते हैं या उसके साथ रहते हैं, तो ये टेस्ट आपको दोबारा करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये बीमारी जो है सेकंडों में फैलती है,
ठीक है, तो दोबारा यहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा, या फिर अपने मेडिकल नज़दीकी जो है किसी मेडिकल शॉप पे जाइएगा जहाँ अच्छा चेक होता है, या किसी अस्पताल पे जाइएगा तो वहाँ पे आप लोग चेक करवा सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, लिख के आइए, अगले 2 हफ्तों में आपको खांसी बुखार या सांस लेने में कोई कठिनाई महसूस होती है तो आपको तुरंत निरीक्षण के लिए जाना चाहिए अधिकारी के लिए, अधिक जानकारी के, सॉरी भाई हिंदी कमज़ोर है मेरी। तो यहाँ पे जो है क्लिक कर सकते हैं ये सब पढ़ने के बाद में, ओके ओके क्लिक करने के बाद में बहुत लंबा चौड़ा ये क्या आ गया जी, लिखा गया है यू आर सेफ, मैंने सारी जानकारियाँ दी, फिर लास्ट में फाइनली रिजल्ट का आया यू आर सेफ, भाई मैं सुरक्षित हूँ, भगवान करे कि आप लोग भी सुरक्षित हो, हमारे सारे व्यूअर सब्सक्राइबर और हमारे पूरे जो है देशवासी सारे भारतीय व्यक्ति जितने भी हों उनकी मैं उज्जवल उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, वो इस बीमारी से दूर रहें और स्वस्थ रहें दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों लिखा है बी रिकमेंडेड, इसका मतलब कि जो है मैं रिकमेंड करता हूँ, अपना सुझाव देता हूँ, मेंटेन सोशल डिस्टेंस, आप लोग सोशल डिस्टेंस बना के रखिए। लिखा है टेक सेल्फ असेसमेंट टेस्ट, अपना जो है खुद का टेस्ट लेते रहिए, चेक ऐप रेगुलरली फॉर अपडेट, ऐप को जो है रेगुलर अपडेट के लिए जो है प्ले स्टोर पर चेक करिए, प्ले स्टोर पर चेक कैसे करेंगे अपडेट को उसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है, आप लोग उस पर चेक कर सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है हाउ टू मेंटेन सोशल डिस्टेंसिंग, हम लोग सोशल डिस्टेंसिंग को कैसे मेंटेन कर सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे मिल जाता है नंबर 1 से हाय, हाय बोलो विदाउट हैंड शेकिंग, बिना हाथ मिलाए आपको हाय बोल देना, यानी दूर से ही नमस्कार कर लेना है भैया, दूर दूर हो जब तक COVID-19 का जो है कहर चल रहा है, अपने फ्रेंड से रिश्तेदारों से आप लोगों को आसानी से बोल देना है, बुरा ना मानो भाई, दूर रहो तो बेहतर है। देखिए दूसरा ऑप्शन मिल जाता है अवॉइड सोशल गैदरिंग, सामाजिक जहाँ समाज इकट्ठा होता हो, जहाँ लोग इकट्ठे होते हों उसको अवॉइड करो, वहाँ पे जाने का नहीं। उसके बाद जो तीसरा नंबर दोस्तों लिखा आता है कीप ए 6 फीट डिस्टेंस फ्रॉम पीपल, लोगों से 6 फीट की दूरी बना के रखो तो आप लोग जो है सेफ रहोगे। उसके बाद लिखा हाउ टू स्टे सेफ, हम लोग सुरक्षित कैसे रह सकते हैं। अब देखो यहाँ पे एक लड़की है जिसने जो है चेहरे पे मास्क लगाया हुआ है, तो उसके सामने जो है टिक का ऑप्शन हुआ है, करेक्ट का ट्रू का ऑप्शन है, और इसके सामने कट का ऑप्शन है, यानी कि ऐसा नहीं रहना है, ऐसा रहना है चेहरे पे मास्क वगैरह बांध करके। उसके बाद में आ जाता है लर्न मोर अबाउट COVID-19, आप जो है अधिक सीखते रहिए COVID-19 एप्लीकेशन की मदद से। उसके आ जाता है सेफ्टी मेजर अगेन COVID-19, यानी कि हमेशा जो हाथों को धोते रहिए और COVID-19 एप्लीकेशन का जो है यूज करके उससे मदद लेते रहिए। और यहाँ पे आ जाता है अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, ये भारत सरकार का दोस्तों, ये तो हम लोगों के काम का है नहीं, और इसमें दोस्तों और कुछ नहीं है, जैसा कि मैंने टोटल पूरा बता दिया जो कुछ भी सब इस एप्लीकेशन में था। यहाँ पे आप लोगों को एक ऑप्शन मिल जाता है शेयर ऐप का, शेयर ऐप पे क्लिक करेंगे तो आप इस एप्लीकेशन को जो है किसी के पास, अपने फ्रेंड के पास या रिलेटिव के पास जो है शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे लिखा है टेक्स्ट अगेन, आप लोग अपना अगर टेक्स्ट चाह रहे हैं तो दोबारा इसको टेक्स्ट करा सकते हैं, या फिर कर सकते हैं, या फिर अपने किसी फ्रेंड का टेक्स्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो अगर हमारा ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए, वो भी बेहिचक करिए, जबकि चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, और हमारे फिर वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। धन्यवाद, गुड बाय।